तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के। तो दोस्तों मेरा नाम आकाश है। स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करना है, जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ रहे हैं, जितनी तारीफ करूँ इस प्रश्न की उतनी तारीफ कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2016, 2020 और 2021 में 100% इसको इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले याद कर लेना है। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि अकेले 7 नंबर का आता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमको तब मालूम चला कि प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तुरंत वीडियो बनाया हूं इसका, ठीक है, कि ताकि आप लोग को 1% दिक्कत ना हो किसी भी प्रश्न में। देखिए प्रश्न यह है कि वात्वोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन के 4 प्रमुख महत्व बताइए स्टूडेंट। या तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो तीनों में से कोई क्वेश्चन आपको 2021 बोर्ड में दे सकता है, ठीक है। 7 नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट। अब देखिए आप कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे वात्वोत्सर्जन, ठीक है। अब वात्वोत्सर्जन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इसमें कि वह क्रिया जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्ररोह आदि के द्वारा आंतरिक उत्तकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। वात्वोत्सर्जन पौधे के सभी वायवीय भागों से होता है, परंतु पौधे में पत्तियाँ वात्वोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। यह अत्यधिक चौरस होती है, क्या अत्यधिक चौरस होती है, और पौधे की वायवीय सतह का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती है। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र दोनों सतहों पर वितरित रहते हैं। स्टूडेंट देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वाष्पोत्सर्जन हेडिंग डालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी पड़ेगी, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अब वाष्पोत्सर्जन का महत्व हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 नंबर का ज़्यादा लिखना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। तो इसमें आप लिखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा जाता है, बुराई कहा गया है। वात्वोत्सर्जन को क्या कहा गया है, आवश्यक बुराई कहा गया है, क्योंकि वात्वोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। अतः विशेष शुष्क स्थानों के पौधे तो इसे रोकने के लिए भी अनेक उपाय करते हैं, फिर भी यह पौधे के लिए अत्यंत उपयोगी है। पौधे के लिए वात्वोत्सर्जन के निम्नलिखित महत्व है, कौन कौन से निम्नलिखित महत्व स्टूडेंट। तो पहला हेडिंग आप डालिए अतिरिक्त जल का निस्तारण, ठीक है, अतिरिक्त जल का निस्तारण। अब देखिए इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि पौधे भूमि से लगातार अपने मूल रोमों द्वारा परासरण व अंत शोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। शरीर में आवश्यकता की अपेक्षा यह जल कई गुना अधिक होता है, अतः वात्वोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधों के शरीर के बाहर निकलता रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पहली हेडिंग आपका हो गया अतिरिक्त का जल का निस्तारण। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग डालना पड़ेगा खनिज लवणों की प्राप्ति, ठीक है, खनिज लवणों की प्राप्ति। हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा कि वात्वोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है। पौधे द्वारा जितना अधिक वात्वोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है। मृदा जल में खनिज लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपको लिखना पड़ेगा अतः पौधों के द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण इसमें घुलकर पौधे के शरीर में पहुंचते रहते हैं। अधिक वात्वोत्सर्जन से रिक्तियां रस में परासरण दाब बढ़ जाता है, इस प्रकार और अधिक लवण पादप शरीर में प्रवेश कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तीसरी हेडिंग डालनी पड़ेगी कि वात्वोत्सर्जन कर्षण तथा रसारोहण, ठीक है, यह तीसरी हेडिंग है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसमें लिखिए वात्वोत्सर्जन के द्वारा चूषण बल उत्पन्न होता है जो रसारोहण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जल बड़े बड़े वृक्षों में उनकी अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसके बाद अब चौथी हेडिंग डालना पड़ेगा ताप का नियमन। अब ताप का नियमन में लिखना पड़ेगा कि वात्वोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के वाष्प में चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधे ताप से बचने में करता है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पांचवी हेडिंग डालना पड़ेगा आपको जल का समान वितरण। जल का समान वितरण में आपको लिखना पड़ेगा कि वात्वोत्सर्जन द्वारा पौधों के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से हो जाता है। फिर छठवां लिखना पड़ेगा आपको फलों में शर्करा की सांद्रता। और इसमें लिखना पड़ेगा कि अधिक वात्वोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। फिर लास्ट हेडिंग 7वां डालना पड़ेगा कि यांत्रिक उत्तकों और आवरण का निर्माण। 7 हेडिंग लिखेंगे आपको तब टोटल 7 नंबर मिलेंगे, और ऊपर का जूस की परिभाषा उसको लिखना पड़ेगा। तो यांत्रिक उत्तकों और आवरण का निर्माण इसमें लिखना पड़ेगा अधिक वात्वोत्सर्जन से पौधे में अधिक यांत्रिक उत्तकों में वृद्धि होती है, जिसके कारण यह पौधे मजबूत होते हैं। यह उत्तक पौधे के जीवाणुओं, कवकों आदि
आदि से रक्षा भी करते हैं, विशेषकर बाहरी पौधों और बाहरी भागों पर बने जो उपचर्म आदि के आवरण से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाके क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, अब उसी के नीचे जो दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको प्रश्न को तैयार कर लो। दो प्रश्न तो किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना होगा एग्जाम में। और ये प्रश्न कहता है कि पौधों में वात्पोसर्जन कितने प्रकार के होते हैं, रंध्रीय वात्पोसर्जन क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए 2017-2018 में पूछा गया, या तो इसी प्रश्न को पूछा गया है कि वात्पोसर्जन की क्रिया में स्टोमेटा की क्या भूमिका है, चित्र द्वारा समझाइए, 2016 में पूछा गया है। या तो इस प्रश्न को देखिए 2012-2018 में किस ढंग से पूछा गया है कि नामांकित चित्र की सहायता से पर्ण रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया का विधि वर्णन कीजिए। ठीक है, क्रिया विधि वर्णन करने के लिए बोला उसका और नामांकित चित्र बनाकर। या तो इसी प्रश्न को 2013 में देखिए किस प्रकार पूछा गया था कि रंध्र स्टोमेटा के स्वच्छ का नामांकित चित्र बनाइए। 2014-2018 में इस प्रश्न को किस प्रकार पूछा गया है कि रंध्र की रचना तथा कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए, पौधों में इनकी क्या उपयोगिता है। या तो 2015 में इस प्रश्न को इस प्रकार पूछा गया था स्टूडेंट कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा द्वार गाट्स कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। तो देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न को हर साल अलग अलग ढंग से पूछा गया था। 2021 में भी इस प्रश्न को इंक्लूड करेगा और कुछ दूसरे ढंग से पूछ सकता है, लेकिन आपको ये सभी इसी में से पूछेगा, आपको सभी याद होना चाहिए। ठीक है, पौधे में वात्पोसर्जन कितने प्रकार के होते हैं, जो भी किस प्रकार से आपको पूछा है ये सभी आपको दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, देखिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर हेडिंग उत्तर में लिखेंगे कि पौधे में जो वात्पोसर्जन मुख्यतः कितने प्रकार के, तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, तीन प्रकार के। अब कौन कौन से, तो पहला लिखिए, पहला रंध्रीय वात्पोसर्जन द्वारा, दूसरा उपत्वचीय वात्पोसर्जन द्वारा, तीसरा वातर रंध्रीय वात्पोसर्जन द्वारा। अब देखिए हेडिंग डालना पड़ेगा आपको रंध्रीय वात्पोसर्जन, रंध्रीय वात्पोसर्जन हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा इसमें कि मूल रोमो द्वारा अवशोषित जल जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा जल स्फीति दाब के कारण पत्ती के पर्ण मध्यम कोशिकाओं में पहुंचता है, पर्ण मध्यम कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, पर्ण मध्यम कोशिकाओं से जल वाष्पीकरण के फलस्वरूप जल वाष्प में बदलकर अंतर कोशिकाओं स्थानों में आ जाता है, जल वाष्प समान वितरण द्वारा रंध्रों से वातावरण में चली जाती है, वात्पोसर्जन की दर रंध्रों में खुलने तथा बंद होने पर निर्भर करती है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आपको डालना पड़ेगा कि पर्ण रंध्र में खुलने बंद होने की क्रिया विधि। अब देखिए क्या सचित्र वर्णन पूछा था, सचित्र वर्णन भी करना पड़ेगा। ये जो दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं स्पृत रक्षक सेल कहलाते हैं, और इसका यह भाग और यह भाग आपका अधिचर्मिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, और यह सलद रक्षक सेल कहलाते हैं। ठीक है, यह जो आपको दो जो भाग आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं। फिर मोटी दीवार, ये जो होती है दोनों बीच में होती है उसको मोटी दीवार कहा जाता है। ये आपका बंद रंध्र का चित्र है, आपका खुला रंध्र का, देखिए खुला है या बंद है। ठीक है, तो ये फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सचित्र वर्णन करने के लिए बोला था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आगे चित्र बनाने के नीचे लिखेंगे कि पर्ण रंध्र का निर्माण दो विशेष आकार प्रकार के द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन्हीं कोशिकाओं की स्फीति के कारण आकार में परिवर्तन पर रंध्र का छोटा या बड़ा होना निर्भर करता है। जब ये कोशिकाएं स्फीत होती हैं तो रंध्र खुला रहता है, और जब ये असलत होती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। द्वार कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन उनके परासरण दाब में परिवर्तन पर निर्भर करता है स्टूडेंट। ठीक है, परासरण दाब बढ़ने पर आसपास की सहायक कोशिकाओं से परासरण की क्रिया के द्वारा पानी आ जाता है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। अतः भीतरी मोटी भित्ति बाहरी भित्ति के बाहर की ओर फूलने के कारण द्वार कोशिका के अंदर ही घुस जाती है स्टूडेंट। अफलतः रंध्र खुल जाता है। परासरण दाब घटने पर द्वार कोशिकाओं से जल पड़ोसी कोशिकाओं में चले जाने के कारण यह सलद हो जाती है और रंध्र क्या होते हैं स्टूडेंट, बंद हो जाते हैं। इसके बाद उपयोगिता हेडिंग आपको डालना है, इसमें लिखना है कि रंध्रों द्वारा जलवाष्प विसरण द्वारा वायुमंडली में चली जाती है। लगभग 90% वात्पोसर्जन रंध्रों द्वारा ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, लगभग 90% क्या होता है, वात्पोसर्जन रंध्रों द्वारा होता है। तो यहाँ पर मैंने दो प्रश्न आपको डिस्कस कर दिया है। यह प्रश्न आपका 9th, जो पौधे में वात्पोसर्जन कितने प्रकार के होते हैं, रंध्रीय वात्पोसर्जन क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, सभी प्रश्न याद होने चाहिए। और एक यह प्रश्न 8वां, ये दो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग इंपॉर्टेंट थे, जो कि आप जानते हैं कि कितना भी लिखूंगा, इसलिए मैं इस पर ही आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा होगा कितना अच्छे ढंग से आप इसको पढ़ भी लेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छी लगी तो प्लीज़ इस लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।